आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज जो एनवायरमेंट में है और उसको हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे रिसोर्स कहा जाता है। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्सेज का एक असेंशियल पार्ट होते हैं, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट मटेरियल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके उसे यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ओरिजिन के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं और इनमें लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा और फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। ये वो बाकी सारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग हैं, एग्जांपल रॉक्स और मिनरल्स। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाती हैं या की जा सकती हैं बाय एनी फिजिकल, केमिकल और नेचुरल फिनोमिनन, एग्जाम्पल हवा, पानी एक्सेट्रा। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हजारों सालों से फॉर्म होते हैं और इनको रिन्यू होने में एक बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है इन द फॉलोइंग पार्ट्स। इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप में कोई चीज एक इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे कि जमीन, प्लॉट, गाड़ी एक्सेट्रा। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज जो कि पूरी कम्युनिटी ओन करती है और इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि पार्क्स, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह। नेशनल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज जो कि कंट्री ओन करती है, जिसमें आते हैं वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स और जो भी ओशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है, जो कि 22 किलोमीटर होता है कोस्ट से। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होते हैं। ये वो सारी चीजें कवर करते हैं जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 नॉटिकल माइल दूर होता है, जिसको टेरेस्ट्रियल वाटर कहा जाता है। डेवलपमेंट के स्टेटस पर रिसोर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जो ऐसे रीजन में मिलते हैं जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया हो, एग्जाम्पल राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का बहुत पोटेंशियल है, पर अभी तक उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया गया है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का सर्वे कर लिया गया है और उसको यूज किया जा रहा हो। स्टॉक ऐसी रिसोर्सेज को बोलते हैं जिस मटेरियल्स में ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल हो, लेकिन यूजेबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल ना हो। रिजर्व्स स्टॉक्स के सबसेट होते हैं। हमें पता होता है कि इन्हें यूज कैसे किया जाना है, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे होते हैं, जिनको बाद की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जंगल्स, डैम्स एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन आजकल रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। हम और आप भी जिसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं, जैसे कि खुद का फायदा देखते हुए लोग रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि रिसोर्सेज खत्म ही होने आ गई है। रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हो रहा है कुछ लोगों के हाथों में जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जबकि बहुत से लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। इन सब वजहों से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। इन सब चीजों को सही ढंग से यूज करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको की रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिए सेल्फ सफिशिएंट कहा जा सकता है, पर वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि पानी तक मिसिंग है, और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर प्लानिंग करनी पड़ती है। रिसोर्स प्लानिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रिसोर्स की इन्वेंट्री को एक पर्टिकुलर रीजन में डिटेक्ट करना, जिसमें रिसोर्सेज के एस्टिमेशन के लिए सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जरूरत होती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कंट्री की डेवलपमेंट प्लान्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। इंडिया के बहुत पहले से ही रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं, और इंडिया में तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही 5 साल का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान आ गया था। रिसोर्स के इर्रेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन को बंद करने के लिए अलग अलग लेवल पर रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना जरूरी है। लैंड रिसोर्स।
लैंड यानी कि जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। यह नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। इंडिया में वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, जिसमें 43% प्लेन्स हैं, 27% प्लेट्यूज हैं और 30% माउंटेन्स हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज को भी 4-5 तरीकों से यूज किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फेलो लैंड्स, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, नेट सोन एरिया। लैंड पैटर्न इन इंडिया, लैंड पैटर्न को डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोलॉजी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स, ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर और ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। ये डाटा चार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के लैंड यूजेज पैटर्न को। वेस्ट लैंड, ऐसी जमीन जिनको बाकी किसी नॉन एग्रीकल्चर वर्क में यूज किया जाता हो, जैसे कि पथरीली और रेतीली जमीन जिस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा हो। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ह्यूमंस की एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग ने लैंड डिग्रेडेशन में बहुत सहयोग दिया है, पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिए गए स्टेप्स हैं पेड़ों को लगाना या एफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग को प्रॉपरली मैनेज करना, प्लांट्स के लिए शेल्टर बेल्ट बनाना, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना होगा रेगिस्तानों में कांटे वाली झाड़ियाँ लगा के, माइनिंग एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखना होगा और एफ्यूलेंट्स को इंडस्ट्रीज से सीधे पानी में न डालते हुए ट्रीटमेंट करने के बाद पानी में डालना होगा। सॉइल एज रिसोर्स, सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट पर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये एक जरिया है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं और ये हजारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर है। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन में नेचर के कई तरीके के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा। मिट्टी के अंदर होने वाले केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जैसे कि ह्यूमस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल्स के फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए इंडियन सॉइल को इन टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले है एल्यूवियल सॉइल। पूरा नदन प्लेन एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। एल्यूवियल सॉइल 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डिपॉजिट से बनती है। यह सॉइल गुजरात, राजस्थान और कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है, पर पर्टिकुलरली महानदी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टाज में मिलती है। एलिवियल सॉइल में सैंड और स्लेट और क्ले होती है और जैसे जैसे हम नदी के ओरिजिन की तरफ मूव करते हैं तो हमें दिखता है कि पार्टिकल्स की साइज बढ़ चुकी है। एज के बेसिस पर एलिवियल सॉइल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। ओल्ड एलिवियल सॉइल जिसको बंगर कहते हैं, इसमें कंकर पत्थर ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू खंडर। न्यू एलिवियल सॉइल को खंडर कहते हैं, इसके पार्टिकल्स बंगार सॉइल से काफी स्मूथ और फाइन होते हैं। एलिवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। इस सॉइल में एडिक्वेट अमाउंट में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है जो कि गन्ने, पैडी, वीट और बाकी सीरियल्स को उगाने के लिए अच्छी होती है। दूसरी टाइप की सॉइल होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक के मटेरियल और क्लाइमेट बहुत अंतर डालते हैं। ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसी ब्लैक सॉइल जनरली डेक्कन ट्रैप में देखने को मिलती है जो कि बसाल्ट रीजन होता है जो पूरे नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ है जो कि लावा के ओवरफ्लो होने की वजह से बना है। ये सॉइल महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कवर करता हुआ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है कृष्णा और गोदावरी वैली के अलोंग। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन होती है और इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल न्यूट्रिएंट रिच होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम भरपूर मात्रा में होता है। ये सॉइल बहुत चिपचिपी होती है और इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस इसको प्री मानसून के पहले टिल्ड ना कर लिया गया हो। अगली टाइप की सॉइल है रेड येलो सॉइल। इस टाइप की सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से बनती है लो रेनफॉल वाले डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में। इस टाइप की सॉइल रेडिश कलर फॉर्म करती है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक सॉल्ट्स के डिफ्यूजन की वजह से। ये येलो कलर की दिखती है जब ये गीली होती है या हाइड्रेटेड होती है। ये सॉइल ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन और अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलती है।
अगली है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है, जहां अल्टरनेटली वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। ये सॉइल हैवी रेनफॉल की वजह से होने वाली इंटेंस लीचिंग की वजह से बनती है। ये सॉइल एसिडिक होती है, जिसका पीएच 6 से ज्यादा होता है, और इसमें ढंग से प्लांट्स को उगने इतना न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। इस टाइप की सॉइल मोस्टली सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी मिलती है। ये सॉइल डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है, लेकिन ह्यूमस में पुअर रहती है। ये सॉइल टी और कॉफी ग्रो करने के लिए अच्छी होती है। अगली टाइप की सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कलर में ब्राउन ब्राउन सी होती है। ये सॉइल जनरली टेक्सचर में सैंडी और नेचर में सलाइन होती है। कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि कॉमन सॉल्ट बना लेते हैं लोग पानी को इवॉपरेट करके। एरिड सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। इस सॉइल के नीचे की लेयर्स में कैल्शियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंकड़ पत्थर बनने लग जाते हैं, और कंकड़ की लेयर होने की वजह से ज़मीन में पानी नहीं घुस पाता, जिसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। इस टाइप की सॉइल हिली और माउंटेन रीजन में मिलती है। सॉइल का टेक्सचर लोमी और सिल्टी है। हिमालयस के स्नो कवर्ड रीजन्स में सॉइल का डेन्यूडेशन होता है, और ये सॉइल लो ह्यूमस कंटेंट के साथ एसिडिक नेचर की हो जाती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। जब सॉइल जमीन छोड़कर इधर उधर जाने लगे, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। हमने वही सब देखा था ना, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग वगैरह, उसकी वजह से सॉइल की पकड़ छूटती जा रही है। जैसे अगर एक पेड़ होता है तो वो मिट्टी को अपनी रूट्स के आसपास बांध कर रखता है। घास होती है तो वो अपने आसपास मिट्टी को चिपकाए रखती है। लेकिन अगर घास या पेड़ होंगे ही नहीं, तो फिर अचानक से जब बारिश या बाढ़ आएगी तो वो सारी मिट्टी बहकर चली जाएगी। इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि कॉन्टोर फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग करना, जिससे वाटर धीरे धीरे नीचे जाता है स्लोप्स में। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें पौधों की लाइन के बीच में जगह छोड़कर वहां पर घास उगा दी जाती है, ताकि हवा से मिट्टी उड़ ना जाए। तीसरा है शेल्टर बेल्ट्स का यूज। इसमें ट्रीज को लाइन से प्लांट कर दिया जाता है, जैसे कि डेजर्ट्स में, ताकि सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज किया जा सके। इस प्रोसेस को शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने के लिए e-tutorguru.in पर जा सकते हैं। वहां आपको इस चैप्टर के नोट्स, समरी, एक्सप्लेनेशन, माइंड मैप, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब एक ही पेज में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।